नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत जब भी पर्दे पर आते हैं हमेशा दर्शकों का सिनेमा घरों में उमड़ना तय हो जाता है। रजनीकांत की बहुप्रतीक्षित फिल्म काला गुरुवार को सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। खास बात यह है कि इस फिल्म का पहला शो सुबह 4 बजे रखा गया था और सुबह 4 बजे के शो में ही रजनीकांत की फिल्म का शो हाउसफुल हो गया। पहले शो के बाद आज ही फिल्म को देखा जा सके इसके लिए सिनेमा घरों के बाहर टिकट लेने के लिए फैंस की लंबी लाइनें भी देखने को मिल रही हैं। रजनीकांत के फैंस थलाई व डांस का क्रेज भी फैंस के सर चढ़कर बोल रहा है। सुबह से ही थिएटर के बाहर टिकट काउंटर पर जहां पर भी लाइनें लगी हुई हैं, दूसरी तरफ फैंस डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। फिल्म कबाली के बाद रजनीकांत की ये फिल्म के लिए लोगों में एक तरह की दीवानगी देखने को मिली। रजनीकांत को भगवान मानने वाले उनके फैंस ने तमिलनाडु के सिनेमा घरों के बाहर लगे फिल्म के पोस्टर को दूध से नहलाया। इसके साथ ही सड़कों पर पटाखे फोड़कर आतिशबाजी की गई। तमिलनाडु के सिनेमा घरों के बाहर फैंस की दीवानगी देखने को मिल रही थी। सड़कों पर इस तरह से सजाया गया था जैसे कि मानो कोई त्योहार हो। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब रजनी की फिल्म के लिए लोगों में इस तरह का क्रेज देखने को मिला हो। पहले भी कई बार रजनीकांत की फिल्म के लिए लोगों में इस तरह की दीवानगी देखने को मिली है।